दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं शास्त्रों के अनुसार हर कार्य को करने के लिए एक नियत समय बनाया गया है। दिन में जहां सभी आवश्यक कार्य किए जा सकते हैं दोस्तों, वहीं रात में कुछ कार्यों का करना स्पष्ट रूप से मना किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि रात को वो कौन से पांच कार्य हैं जो महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके ऊपर और उनके परिवार पर भारी मुसीबत आ सकती है। तो महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो महिलाओं के लिए होने वाला है बहुत ही खास। लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों पहला पॉइंट, खुले बाल नहीं सोना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रात में महिलाओं को कभी भी बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि रात में खुले बाल सोने पर नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती हैं। इसलिए रात को ना केवल महिलाएं वरन चोटी रखने वाले पुरुष भी अपनी चोटी को बांध लें, इसी में ही उनकी भलाई है। दोस्तों दूसरा पॉइंट, रात में बाहर घूमने ना जाएं। चौराहों अर्थात जिस जगह पर चार सड़कें आपस में मिलती हों, वहां भी रात के समय नहीं जाना चाहिए। चाणक्य की नीति के अनुसार वहां पर बहुत से टोने टोटके तथा तांत्रिक अभिक्रियाएं की जाती हैं, जिसके प्रभाव स्वरूप वहां पर नकारात्मक शक्तियों का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों रात में यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है, इसलिए देर रात को चौराहों पर जाना नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत का भी डर रहता है। इसलिए आप खासकर रात के समय चौराहों और सुनसान सड़कों से बचकर ही जाएं। दोस्तों अगला पॉइंट, सेंट या इत्र लगाकर ना सोएं। जी हां दोस्तों, कुछ लोग रात को सोते समय इत्र या सेंट लगाकर सोते हैं। किसी भी तरह की तेज खुशबू पैरालौकिक शक्तियों को आकर्षित करती है, इसलिए रात को सोने से पहले हाथ पांव तथा चेहरा धोकर ईश्वर का ध्यान कर सोना चाहिए। दोस्तों इससे रात को बुरे सपने भी नहीं आते हैं और नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर रहती हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है, रात के समय किसी पराई स्त्री या पुरुष से नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रात के समय स्त्रियों को किसी पराए पुरुष से तथा पुरुष को किसी पराई स्त्री से एकांत में नहीं मिलना चाहिए। बुरी संगति, कुंभ शनि तथा शराबियों से भी रात को दूर ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको न केवल नुकसान हो सकता है वरन आपकी बदनामी पर दाग लग सकता है, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। दोस्तों अंतिम पॉइंट, आधी रात के बाद ना बनाएं शारीरिक संबंध। जी हाँ दोस्तों, रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है तथा ब्रह्म बेला से ठीक पहले वाला समय आरंभ हो जाता है। दोस्तों ऐसे समय पर व्यक्ति की मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, इसलिए मध्यरात्रि के एक प्रहर बाद से ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति को अध्ययन, मनन, ध्यान तथा भगवान की पूजा पाठ जैसे कार्य करने चाहिए। दोस्तों कोई नई योजना बनानी हो तो भी उसके लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है, लेकिन आप इस समय शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं,
अन्यथा आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट स्टे फियरलेस। जय हिंद।